हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनरेया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्रांड की लिपस्टिक का रिव्यू करने वाली हूँ। मैं अमेज़ॉन पे स्क्रॉल कर रही थी तब मैंने इस ब्रांड को देखा। सो फ्रेंड्स, ये है लेनफॉर कंपनी। इस पे मेंशन है ट्रेजर मैट लिपस्टिक। सो अमेज़ॉन पे आई थिंक ये काफ़ी टाइम से है लिपस्टिक, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की है और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांड को देखा है। इस लिपस्टिक पे ना कहीं मेंशन नहीं है कि ये मेड इन इंडियन है या कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है, बट काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इस ब्रांड की लिपस्टिक के। सो मैंने सोचा न्यू ब्रांड है, चले ट्राई करते हैं और लिपस्टिक के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ कि मुझे पर्सनली कैसी लगी। और इसके मैंने ना टोटल 5 शेड्स परचेज़ किए हैं और इसके जितने भी शेड्स होंगे मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूँगी टोटल कितने शेड्स इसमें अवेलेबल हैं, और इसकी प्राइसिंग और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन लिपस्टिक्स का। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अगर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ लिप स्वॉच स्क्रीन पे पिक्चर इंक्लूड कर दूँगी, सो आपको ईजिली मेंशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये इनकी आउटर पैकेजिंग है और इस पे मेंशन है ये ट्रेजर मैट लिपस्टिक है, और इस लिपस्टिक की नेट क्वांटिटी है 3 ग्राम्स। और ये ना मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है, और यहाँ पर आपको ना शेड नंबर एवरीथिंग यहाँ मेंशन है। सो ये 01 शेड है, क्रिम्सन रेड, और यहाँ पर लिपस्टिक के बारे में बताया गया है। और यहाँ बैकअप साइड पे आपको लिपस्टिक का प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी सब यहाँ आपको इजीली मेंशन हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसका प्राइस 599 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, बट आई थिंक मैंने इसको डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज़ किया है अमेज़न से। सो जो भी डिस्काउंटेड प्राइस होगा मैं स्क्रीन पे आपको दे दूँगी कि आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे कितने की रिसीव हुई है। और फ्रेंड्स, ये क्रूअल्टी फ्री लिपस्टिक है, वेटलेस है, वीगन है, मैट फिनिश के साथ है, और ये आपको 30 मंथ्स तक लास्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग के बाद। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कहीं भी मेंशन नहीं है लिपस्टिक पे, और यहाँ पर नीचे लिप शेड का नेम दिया गया है विद नंबर। सो आउटर पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इस टाइप का आपको एक थ्रेड मिलेगा, रिबन मिलेगा, सॉरी, इसको आपको पुल करना है तो अंदर आपको लिपस्टिक मिलेगी इस टाइप से। सो काफ़ी यूनिक टाइप ऑफ पैकेजिंग है, अच्छी पैकेजिंग है। और ये इनकी लिपस्टिक है, ये ब्लैकिश ग्रे शेड है लिपस्टिक का, और ग्लॉसी फिनिश के साथ है। प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं है, मेटालिक है। और इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको बुलेट मिल जाएगी। और ना पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको क्लिक की साउंड आएगी, और जब आप इसको लिपस्टिक को क्लोज़ करेंगे तब भी आपको क्लिक का साउंड सुनाई देगा। मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको सुनाई दे। ये देखिए, सो ये क्लिक का साउंड है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, लिपस्टिक पूरी तरीके से क्लोज़ हो गई है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे अपने बैग में रखते हैं तो ये खुल जाएगा कैप। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए मुझे काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा है अपन में। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस पैकेजिंग की। और लिपस्टिक थोड़ी ना छोटी है, आई मीन क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, बट मैंने इसमें टोटल 5 शेड्स मंगवाए हैं। सो चलिए मैं आपके साथ इन लिपस्टिक के स्वॉचेस शेयर करूँगी वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें टोटल 5 शेड ही पिक किए हैं। आपको लिपस्टिक के ना बैकअप साइड पे भी आपको लिपस्टिक का नेम मिल जाएगा, और मैं आपको स्क्रीन पे भी लिपस्टिक का नेम और नंबर दे दूँगी। सो 01 नंबर शेड है ये, और काफ़ी प्रिटी शेड है, ये देखिए। और मैंने इन्हें ना अप्लाई करके देखा है, और ये काफ़ी अच्छी फॉर्मूला के साथ है। प्राइसिंग थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी, बट फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ये क्रीमी मैट है, बट ये ना ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, बहुत ही थोड़ी सी ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आपने मेरी लैक्मे की लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक का रिव्यू देखा है तो ये काफ़ी सिमिलर है। इसका फॉर्मूला भी काफ़ी वेलवेटी मैट फॉर्मूला के साथ है, और बिल्कुल लैक्मे की लिपस्टिक की तरह बिल्कुल स्लाइटली सी ट्रांसफ़र होती है। और बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होती है और काफ़ी अच्छा कलर है। ये सारी स्किन टोन के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। ये है शेड नंबर 01 और काफ़ी सुंदर शेड है। आप अगर डीप और डस्की स्किन टोन के हैं तो ये बहुत सुंदर लगेगा आपके ऊपर, और फेयर स्किन वाले भी डेफिनेटली इस शेड को ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर शेड है। और जो नेक्स्ट शेड है वो है 02 और ये भी बहुत ही प्यारा सा शेड है, थोड़ा डीपिश शेड है ये देखिए, बट काफ़ी सुंदर लगेगा। अगर आपकी डीप स्किन है तो ये काफ़ी प्रिटी शेड लगेगा, वाइन और महरूनिश काइंड ऑफ शेड है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये 02 नंबर शेड है, इसका नेम मैं आपको बता देती हूँ। ये है एग्जॉटिक वाइन, 02 नंबर शेड है जो मैंने स्वॉच किया है, काफ़ी सुंदर शेड है ये। और नेक्स्ट शेड है 03, ये है वॉलेट रोज़, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये शेड भी काफ़ी सुंदर है, जैसे कि इस पे मेंशन है थोड़ा सा पर्पली वॉलेट काइंड ऑफ शेड है, बट काफ़ी प्रिटी शेड है। आप कोई भी स्किन टाइप के हैं आपके ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगा। काफ़ी पिगमेंटेड है लिपस्टिक और काफ़ी स्मूथ भी है, कंफर्टेबल है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ट्रांसफ़र नहीं होती हैं ये। और ऐसा नहीं है अगर ये मैट लिपस्टिक है ट्रांसफ़र नहीं होती हैं तो आपके लिप्स को ड्राई करेंगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती। 6 to 7 आवर्स कंफर्टेबली आपके लिप्स पे रहेंगी। अगर आप कुछ ऑयली खाते हैं तो आपके लिप्स के सेंटर से रिमूव होती हैं, अदरवाइज़ इनका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। लिप्स पे काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, काफ़ी पिगमेंटेड है और काफ़ी अच्छी हैं। मुझे ये ब्रांड काफ़ी अच्छा लगा, इनकी लिपस्टिक काफ़ी अच्छी लगी, मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें ट्राई किया है। सो आप भी डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट शेड है वो है सनसेट ब्राउन 07 और ये भी काफ़ी सुंदर शेड है, न्यूडिश काइंड ऑफ शेड है। ये मेरा फेवरेट शेड है इस रेंज में से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये शेड। ये देखिए, ये डेली वेयर काइंड ऑफ शेड है और अगर आप डीप डस्की स्किन टोन के हैं, मीडियम स्किन टोन के भी हैं तो एक बहुत ही प्रिटी न्यूड काइंड ऑफ शेड है। ये 07 नंबर शेड है और ये ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड है, तो ये काफ़ी सारे स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा और पर्सनली मेरा फेवरेट शेड है और आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगा। और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है लिप्स ड्राई हो जाएंगे, कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और जो लास्ट शेड है मेरे पास वो है 08 आलमंड कॉफ़ी, 08 आलमंड कॉफ़ी ये लास्ट शेड है और ये भी बहुत ही प्रिटी शेड है। ये शेड भी सारी स्किन टोन के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा, काफ़ी प्रिटी शेड है। ये थोड़ा ब्राउनिश साइड पे है 07 और 08 थोड़ा सा पिंक टोन में है, बट काफ़ी प्रिटी न्यूडिश काइंड ऑफ शेड है। अगर आप डीप डस्की स्किन टोन के हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी शेड पिक कर सकते हैं, चाहे तो दोनों शेड्स ले सकते हैं बिकॉज दोनों ही शेड बहुत प्रिटी हैं। मैंने इससे पहले मार्स की बटर लिपस्टिक का रिव्यू भी किया है। अगर आप वो परचेज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राई साइड पे है, बट उसके मुकाबले ये लिपस्टिक काफ़ी कंफर्टेबल है, एकदम वेलवेटी काइंड ऑफ है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती है। सो ये मेरा लास्ट शेड था 08 नंबर और ये टोटल 5 शेड्स हैं जो मैंने पिक किए थे और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन लिपस्टिक्स के और शेड परचेज करके आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये ब्रांड की लिपस्टिक्स मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है बट काफ़ी अच्छी लगी। इस प्राइस में बहुत ही हाई एंड ब्रांड्स की लिपस्टिक भी मिलती हैं, बट ये मेरे लिए न्यू ब्रांड था और काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं। सो डेफिनेटली चाहें तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं इन्हें। सो ये था मेरे इन न्यू ब्रांड लिपस्टिक के लिप स्वॉचेस एंड हैंड स्वॉचेस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।